हेलो गाइस, माय नेम इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग कोड विद समीर यूट्यूब चैनल। गाइस, ये हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ओके गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से उसे देख लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का इतिहास। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द कंप्यूटर एज वी नो इट टुडे हैड इट्स बिगिनिंग विद 19th century। इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर नेम चार्ल्स बेबेज। देखिए, कंप्यूटर हमारे पास जो आजकल कंप्यूटर है वो उसकी बिगिनिंग 19th century में की गई थी, जिसकी बिगिनिंग इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर ने की थी, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। ओके, सो ही डिज़ाइन द एनालिटिकल इंजन एंड इट वॉज डिज़ाइन दिस डिज़ाइन डेट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कंप्यूटर ऑफ टुडे आर बेस्ड ऑन। देखिए, ये चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने डिज़ाइन किया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, उसका जो ढांचा था वही ढांचा अब भी कंप्यूटर में देखा जाता है। ओके, तो चलिए आगे पर देखते हैं। देखिए, जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 generations। देखिए, जनरली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की 5 generations हैं और हर जनरेशन में एक नया डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए पहले अब देखते हैं जनरेशन। देखिए, फर्स्ट जनरेशन हुई थी 1940 से 1956 तक। ओके, फिर सेकंड जनरेशन आई थी हमारी 1956 से 1963 तक। ओके, फिर आई थी थर्ड जनरेशन, जिस जो 1963 से 1971 तक आई थी, और फिर फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट में चल रही है अभी। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन हमारी इस प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक आ गए, तो जो होगी वो हमारी फिफ्थ जनरेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इन जनरेशन्स के बारे में देखते हैं, मतलब इन जनरेशन्स में क्या कंप्यूटर के अंदर क्या क्या डिफरेंस आया। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की मोर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, जो 1940 में स्टार्ट हुई थी और इसका डी एंड 1956 में हुआ था। ओके, और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। ठीक है, इसका जो मेन डिफरेंस ये था कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आता है इसमें, इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स और सर्किटरी। ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे या सर्किटरी। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। ये मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट है, दिस कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज इनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम्स। देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत बड़े थे, और वो इतने बड़े थे कि वो एक कमरे मतलब वो एक कमरा घेर लिया करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, दियर प्रोग्रामिंग वॉज डिफ़िकल्ट टास्क। देखिए, हमारे इस टाइम के जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस जावा पाइथन वगैरह ये जो प्रोग्रामिंग है ये प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग करना था वो एक टास्क था, मतलब वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था। ओके, तो नेक्स्ट आता है, दिस कंप्यूटर्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत महंगे हुआ करते थे, उन्हें ऑपरेट करना बहुत महंगा पड़ता था, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब दे जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट विच वॉज ऑफ्टन द कॉज ऑफ मेल फंक्शन। देखिए इस टाइम जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कम हीट फेंकते हैं, लेकिन इस जनरेशन के कंप्यूटर से ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिससे क्या होता था कि कभी कभी पूरे सिस्टम में ही आग लग जाया करती थी, उसे हम कहते हैं मॉल मेल फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज द लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म।
टू परफॉर्म टास्क एंड ऑपरेशंस। देखिए इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती थी, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी जिसे कंप्यूटर समझता था, और इससे टास्क परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाया करता था, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। देखिए इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो एक समय में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस टाइम क्या है कि हम एक टास्क के मतलब एक प्रॉब्लम के साथ एक बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा, इट वुड टेक ऑपरेटर्स डे और इवन वीक टू सेट अप अ न्यू प्रॉब्लम। देखिए इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या हुआ करता था कि उनमें एक नई प्रॉब्लम को लेने के लिए दिन या कभी कभी हफ्ते में लग जाया करते थे एक नई प्रॉब्लम को उसमें सेट करने के लिए, ओके। अब आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट। देखिए इसके अंदर हम आउटपुट प्रिंट आउट्स की तरह तरह लेते थे, जैसे इस टाइम क्या है कि हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आउटपुट हम उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले उसका आउटपुट हमें प्रिंट आउट के रूप में मिलता था, ओके। अब इन कंप्यूटर के नाम ये हैं, देखिए यूनिवेक और ईनिएक, ये दो कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन, जिस जो 1956 से 1963 तक रहा, और इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। क्या अब इसके बारे में देखते हैं, देखिए पहला है ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया, और देखिए ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया, उनने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया और वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया और हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया तो क्या हुआ, ट्रांजिस्टर छोटा हो गया और वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े थे, तो क्या हुआ, कंप्यूटर बिकम स्मॉल, कंप्यूटर छोटा हो गया, फास्टर तेज़ हो गया, चीपर सस्ता हो गया, और ज़्यादा एनर्जी इफिशेंट हो गया, ओके। और क्या हुआ, इसका जो प्रोसेसर था वो और भी ज़्यादा रिलायबल हो गया, ओके। अब आगे आता है, थ्रू ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट। देखिए ट्रांजिस्टर से क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो हीट प्रोड्यूस करते थे फर्स्ट जनरेशन में, उनकी हीट कम हो गई, यही इसका वास्ट इम्प्रूवमेंट हुआ, ओके। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ कर दिया, तो क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर की हीट थी वो कम हो गई, ओके। अब आगे स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट्स एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। देखिए क्या हुआ कि हम पंच कार्ड का यूज़ हम इनपुट के लिए करने लगे और प्रिंट आउट का यूज़ हम आउटपुट के लिए करने लगे सेकंड जनरेशन में, ठीक है। अब आगे मूव्ड फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। इस सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि इसमें लो लेवल लैंग्वेज से, मतलब इसकी जो प्रोग्रामिंग थी वो लो लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में आ गई, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, अगर अभी तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की वीडियोस के लिए, ओके। देखिए अब आएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि हमारा जो कंप्यूटर था वो सिर्फ एक बार में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए PDP-8, JVM 1401, ये इसके कंप्यूटर के नाम हो गए सेकंड जनरेशन के, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कब हुआ, 1963 से 1971 तक रहा। इसमें क्या हुआ, इसमें ICs का यूज़ होने लगा। अब देखते हैं ICs का क्या है कि ICs ने ट्रांजिस्टर्स के मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें हम ट्रांजिस्टर की जगह हम ICs का यूज़ करने लगे, यही इसका हॉलमार्क था थर्ड जनरेशन का, ओके। अब देखिए IC क्या है, IC जो है वो कॉम्बिनेशन है ट्रांजिस्टर्स का, ओके। अब
ट्रांजिस्टर वर मिनियट्राइज्ड एंड प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर्स को और छोटा किया गया और उसे एक जगह पर रख दिया गया, ठीक है, सिलिकॉन चिप के ऊपर रख दिया गया, और उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। उस फिर क्या हुआ, फिर हमारी उसकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और वो इफ़िशेंट भी हो गया। मतलब देखिए, हमने ट्रांजिस्टर्स को छोटा छोटा किया और हमने उसे सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रख दिया, जिससे क्या हुआ, हमारे जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और वो इफ़िशेंट हो गया। ओके, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इसमें क्या हुआ कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हम कीबोर्ड का और मॉनिटर का यूज़ करने लगे फॉर इनपुट और आउटपुट के, लेकिन सेकंड जनरेशन में हमने यूज़ किया था प्रिंट आउट को, यूज़ किया था डिस आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए हमने यूज़ किया था पंच कार्ड। ओके, अब इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज है वो अब मतलब फर्स्ट जनरेशन में थी लो लेवल लैंग्वेज, और फिर सेकंड जनरेशन में आ गई असेंबली लैंग्वेज, अब हमारी थर्ड जनरेशन में आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जैसे फोर्ट्रान और कोबोल में हम इसमें काम करने लगे। ओके, और इस जनरेशन में कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो गए हमारे NCR 395 और B6500। ओके, अब आते हैं अपना हम फोर्थ जनरेशन पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें ये क्या हुआ, ये 1971 से और अभी तक प्रेजेंट तक रहा। इसमें क्या हुआ, इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लगे, ठीक है, क्यों करने लगे अभी आपको हम आगे समझाएंगे। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ आईसीज वर बिल्ट ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। देखिए, हज़ारों आईसीज को मिलाकर एक सिंगल सिलिकॉन चिप बनाई गई, उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ओके, अब क्या था, कुड फिट इन ऑन टू द पाम ऑफ अ हैंड। देखिए, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इतने मतलब हमने मतलब थाउजेंड ऑफ आईसीज को जब हमने कम मतलब छोटा कर दिया, मिलाकर एक सिलिकॉन चिप कर दिया, तो क्या हुआ कि उसका साइज़ और छोटा हो गया। क्या हुआ कि वो हमारे हाथों में भी आने लगे। ओके, और देखिए, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब्स, अब वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए, फिर वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया, इससे क्या हुआ हमारा कंप्यूटर और छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया तो छोटा हो गया, उसके बाद हमने आईसीज़ का यूज़ किया, आईसीज़ से बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर एक आईसी बनी, तो हमारा कंप्यूटर और छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा थाउजेंड्स ऑफ आईसीज़ को मिलाकर एक कंप्यूटर बनाया गया, जो हमारा और भी ज़्यादा छोटा हो गया, और वो हमारे हाथों के अंदर फिट होने लगा। एज दिस कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, जैसे इसका साइज़ छोटा हुआ वो कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता गया। देखिए क्या हुआ कि ये जो कंप्यूटर था, क्या हुआ, ये वो नेटवर्क से लिंक होने लगा, ये जब नेटवर्क से लिंक होने लगा तो एक इंटरनेट का डेवलप किया गया। ओके, इंटरनेट क्या है, जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, और आजकल हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप, वो सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। दे आल्सो शो द डेवलपमेंट जी यू आई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइस। देखिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर थे, यहाँ पर हमारा जी यू आई डेवलप हो गया, जो क्या है, ग्राफिकल मतलब जो हमारे कंप्यूटर में ग्राफिक्स दिखते हैं, वीडियो दिखती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्राफिक्स, वो हमारे जी यू आई से चलती हैं, ठीक है। तो जी यू आई का यूज़ किया गया, माउस का यूज़ किया गया, और बहुत सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस का यूज़ किया गया, जैसे जॉयस्टिक वगैरह, ठीक है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनके एग्जांपल हो गए हमारा इंटेल 404 चिप और मैकिंटोस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, देखिए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये प्रेजेंट से लेकर अब तक आने वाले समय तक चलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक कंप्यूटर डज नॉट प्रोसेस इंटेलिजेंस। देखिए, इस टाइम के जो हमारे जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो क्या होता है, तो वो जब ही वर्क करता है जब हम उसे इनपुट देते हैं, लेकिन वो बिना इनपुट के कोई काम नहीं करता, ठीक है।
इफ़ द लॉजिक इज़ गिवन करेक्टली, देखिए जब वो देन ओनली इट डिस्प्ले द रिजल्ट, देखिए जब भी हम कंप्यूटर को करेक्ट करेक्ट लॉजिक देंगे वो जब भी हमें एक रिज़ल्ट डिस्प्ले कराएगा, वरना कुछ नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अब साइंटिस्ट आर वर्किंग टू प्रोड्यूस इंटेलिजेंस कंप्यूटर विच कैन टेक डिसीजन ऑफ दियर ऑन, देखिए कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं एक मतलब इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाने के लिए जो खुद अपना डिसीजन लेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंट्रोड्यूस जीनोइन आईक्यू इन दिस कंप्यूटर, देखिए इनका साइंटिस्ट का जो मेन मेन उद्देश्य है वो ये है कि इन लोगों को एक कंप्यूटर प्रोड्यूस करना, मतलब एक कंप्यूटर डेवलप करना है जिसके अंदर जीनोइन आईक्यू हो, ठीक है। अब सो दैट दे कैन थिंक एंड बिहेव लाइक, जिससे कंप्यूटर सोच सके और समझ सके और ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, ठीक है। अब देखिए आगे दिस टेक्निक इज़ नॉन एज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखिए इस टेक्निक को हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के सर्किट कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटली साइंटिस्ट वर्किंग टू डेवलप स्पेशल सॉफ्टवेयर, इस टाइम साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, ठीक है, जो कुड मेक द कंप्यूटर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, जो कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाएगा, ठीक है। इस मेथड को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, देखिए ये जो साइंटिस्ट हैं ये जो अभी काम कर रहे हैं एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाने का जो कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाएगा, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं, इंटेलिजेंसी, ठीक है। अब द साइंटिस्ट हैव टेकन अ ग्रेट चैलेंज टू मेक एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर, देखिए साइंटिस्ट ने एक ग्रेट चैलेंज लिया है कि वो एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाएंगे। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।